हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुलिपि वेलकम करुछि पुष्पांगा सस किचन। ब्रेकफास्ट हो कि लंच कि डिनर, जदि खाइबा परे किछि मीठा मिलि जाय थाए ताहाले त दिन बनि जाय थाए। त मु आजि अपन समस्तम पई गोटे स्वीट डेजर्ट रेसिपी नै आसीछि, जहा कि बहुत कम जिनस प्रस्तुत कस्टार्ड रेसिपी। सिंपल कस्टार्ड को आम दुई प्रकार बनवा, जहाँ कि फ्रूट कस्टार्ड एवं ड्राई फ्रूट कस्टार्ड। तेज डेरी नक चलतु रेसीपी को स्टार्ट करवा। देखु मुझे गोटे कस्टार्ड पाउडर पैकेट नहीं आई, जहाँ कि 30-40 टाँग भितर आराम से ग्रोसरी शॉप रे मिल जाए थे। मु 6 टेबल स्पून नहीं जाइए। यह वैनिला फ्लेवर अटे एवं यह बहुत बढ़िया लगी थाए पा तो स्पेशली बहुत बढ़िया लगी थाए। जो मैंने क्षीर पीवाप पसंद करती से आपली कस्टार्ड देवे तो से बहुत आराम से खाई ने। तो मुझे 6 टेबल स्पून कस्टार्ड पाउडर नहीं गली। फर्स्ट मेजरमेंट रे बिल्कुल भी भूल करेंगे नहीं। आपड़ जदि अधिक गाढ़ा करने चाहती तेल आउ टे अधिक ने, जदि पतला करने चाहती तेल गोटे टेबल स्पून कमईदे। तो एथिरे रूम टेम्परेचर रो क्षीर नहीं कि मुझे गोटे कप क्षीर नहीं जाने कि आम कस्टार्ड पाउडर को भलसे मिक्स करवा। गरम कि अत्यधिक थंडा क्षीर ने रूम टेम्परेचर वाला क्षीर ही ने। देखु मुझे दुई पैकेट क्षीर नहीं जाकि गोटे लिटर अच्छी। आपण जेकोसी पैकेट क्षीर नहीं पारे, नॉर्मल फ्रेश क्षीर मिले ताकू भी यूज करें। तो मुझे पैकेट क्षीर गोटे लिटर दे दी गोटे पात्र आम गैस ऑन करवा। क्षीर फुटापी बसईद क्षीर में गोटे फुटा आसा पर्यटन आम अपेक्षा करवा। देखु पखापाखि गोटे फुटा आसलानी रे। तो मुझे 6 टेबल स्पून चीनी दे 6 टेबल स्पून चीनी पूरा नॉर्मल मीठा पे ठीक है थे। जदि आपको अत्यधिक मीठा पसंद लगे ताले गोटे टेबल स्पून अधिक दे पारती। तो मुझे चीनी देखिए यहाँ भलसे मिक्स करी। आम एम साइड रू एवं क्षीर तल भाग भलसे घाटुवा एवं गोटे छोट चमच मुझे गुजराती गुंड दे दी, जहाँकि बहुत बढ़िया बास्ना दे थाए। देखु गोटे फुटा आसीगला। तो मुझे कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने आम एका थरे सब कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करवानी, अल्प अल्प देक दुई रु तीन थर दे कि आम मिक्स करवा। देखु मुझ अल्प किसी देदेली एवं आउ बाकी तक देखो सांगे सांगे मिक्स करी। बिल्कुल भी आम हाथ छड़ा करवानी, सांगे सांगे ही आम कौन स्पैचुला कि डंकी साहब मिक्स करवा, ना तले लग पूरा गांठ पड़ कस्टर्ड बिल्कुल भी भल हेनी। तो आम कस्टर्ड पाउडर मिक्सचर देलापर सांगे सांगे ही एमती घाटुवा। यह लो टू लो मीडियम फ्लेम रे ही करेंगे, पूरा हाई करेंगे नी टिके भी। आम घाटा छाड़े यह एमती तल लगि जाए सैड्रु लगि जाए। तो आम चलला बेले डंकी चारिपट सैड ए तल चला ताकि कस्टर्ड आउ तले लगे। एवं आपण स्टील पात्र जगह कौन एमती सिल्वर किंवा अलग कौन नॉनस्टिक रो पैन नहीं पारे, ना स्टील ने तले लगि जाए पोड़ा स्मेल आसी थाए। देखु एवं आम कस्टर्ड टी पूरा गाढ़ा ही आसिले। तो मुझे गोटे केक् मिक्सचर सामती मिक्स करोसी लुहा खड़िका कि डंकी रेगुलरली चलेंगे किसी भी असुविधा ही नए। पूर्व अपेक्षा आम कस्टर्ड टी एबे धीरे धीरे गाढ़ा हो गले। तो एमती मीडियम फ्लेम रे देखु कते कस्टर्ड टी गाढ़ा हो गले, यार कलर मध्यम चेंज हो गला। यह तो बहुत बढ़िया कलर आए कि जेहेतु मोर कैमेरा एवं लाइट रो क्वालिटी कम अच्छी, तो से लगे कलर कम आसी ना कस्टर्ड बहुत बढ़िया देखा जाए जो बनी जाए पूरा गोटे बढ़िया येलो कलर वैनिला फ्लेवर रो बहुत बढ़िया स्मेल एवं बहुत बढ़िया कलर आसी थाए आम कस्टर्ड रे। देखु मुझे रेगुलरली यहाँ चला पखापाखि 10-15 मिनट भितर आम डेजर्ट टी बनी जाए। देखु केमती हल्का हल्का बबल्स आसूँ, आपड़ जदि यह छाड़देवे तले लगि जाए। बस क्षीर एवं किसी कस्टर्ड पाउडर तासे तो गुजराती गुंड जहाँ कि आप स्किप करेंगे आ चीनी एति को नहीं आम गोटे बहुत बढ़िया मीठा आइटम टे बनीगला। आपण यह जेकोसी पर्व भी बनई पारे एवं पिला तो यह बहुत पसंद आसी थाए। देखु मुझे गैस फ्लेम को अफ कर सारे
एवं उहेकु रेगुलर चलाउछि नहले एहा उपरे गोटे मोटा सर बसी जाइथे। तो आपण गैस रा फ्लेम को अफ कर सारा परे मध्य कस्टर्ड को बारंबार टिके चलाउथिबे नहले एहा उपरे गोटे सर लेयर बसी जाइथे जहा कि भल लागि नथे खाइबा पई। तो कौनसी चामच किंबा डंकी सहाजरे आपण 2-3 मिनिट रे थरे याकु मिक्स करथिबे। कस्टर्ड टी टिके ठंडा हे गला परे मु याकु गोटे काचर बाउल रे सर्व कर दे छी। एबे पूरा एहा ठंडा हे नै तो आमे एही काचर बाउल रे सब कस्टर्ड को काढी नबा एवं एमिति बाहरे किंबा फ्रिज रे अध घंटा पई एहाकु पूरा ठंडा हबा पई छाड़े देबा। एहा ठंडा हे गले हि खाइबा पई बहुत बल लागथे। अध घंटे पई नहले घंटाटे पई फ्रिज रे रखंतु नहले एमिति बाहरे एहाकु छाड़े दियंतु एवं बारंबार एमिति मझरे टिके चलौ धांदु ताकि उपरे सरर लेयाटी बसिबनी। देखंतु पाखापाखि अध घंटा रु घंटाटे परे हम कस्टर्ड टी केते गाढ़ा हो जाइछि। ड्राई फ्रूट जेमिति कि किछि किसमिस किछि पिस्ता एवं किछि काजू रे कटा एवं ता सहित चेरी गोटे छोटो सेव को एमिति काटिकि रखिछि छोटो छोटो करी गोटे छोटो कदली को छोटो छोटो करी काटि रखिछि 2-3 अंगुर को मझिरे काटिकि रखिछि एवं ता सहित किछि डा एतिकि मु फ्रूट से नैछि। एबे आमे एमिति काचर बहुत बढ़िया बाउल रे एहा को सर्व करिबा। आइसक्रीम किंबा कस्टर्ड ए भली किंबा जे कोनोसी खीरी किंबा पायस खाइले बहुत बढ़िया लगी थाए एमती बहुत ही डेकोरेटिव लगी थाए। तो मु 2 एमती बाउले एहा को सर्व कर नै छी एवं फ्रूट्स रे मु एठी सेओ कदळी ता सहित किछि अंगुरु एवं डालिंबर मंजी देही कि एहा को सर्व करी छी जहा कि बहुत टेस्टी सहित बहुत हेल्दी मध्य होइ थाए एवं ता सहित फ्रूट एमती डेकोरेट करके देले पिला मन को बहुत पसंद आसी थाए। एवं ड्राई फ्रूट्स रे मु किछि किसमिस ता सहित छोटो छोटो कटा चेरी किछि पिस्तार छोटो छोटो कटा एवं किछि काजू कटा ए सब को देकि 2 के जाक बाउल सर्व करी छी। हमर एबे प्रस्तुत हे गला बहुत कम समय भितरे फ्रूट एवं ड्राई फ्रूट कस्टर्ड। एहा को आपण जे कोनोसी दिन बनाई परिबे एवं पिला मानको तो एहा बहुत पसंद आसी थाए। आपण एहा को थरे निश्चय बनांतु एवं फीडबैक रे मते कमेंट करी कहंतु केमिति लागिला। आगु को क्रिसमस एवं न्यू ईयर आसछि तो एहा को आपण थरे निश्चय ट्राय करंतु। बहुत ही जल्दी बहुत कम समय रे एवं बहुत कम जिनस को नहीं आम कस्टर्ड प्रस्तुत हो गला। फ्रूट किंबा ड्राई फ्रूट आपण आपण को पसंद अनुसार नहीं पारती किंतु सब एक बेले मिक्स करिवे नी कारण यदि कस्टर्ड रे फ्रूट्स को किंबा ड्राई फ्रूट्स मिक्स करी रखी देबे ताहले यह खराब हो जाए जितेबले आपण खाइबा पई नेबे सेतिक बेले ही एई सब को ऐड करके खाइबे। एही वीडियो टी भले लागिले लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।